नमस्ते, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिसेस सिन्हा। गुड मॉर्निंग। बस मैं अभी आप ही के घर आ रही थी, एक मिनट रुकना, एक मिनट। पर वो एक्चुअली ये लीजिए, अरे गर्मा गर्म पकौड़े अभी अभी बनाया मैंने। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। एक मिनट। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके बाय। जानती हूँ रात को लेट तक काम करते, पर इतनी नींद, उठो ना। ना, नींद तो कब की खुल चुकी थी, सिर्फ आंखें बंद रखी थी मैंने, क्योंकि दिन में मैं सबसे पहला चेहरा तुम्हारा देखना चाहता हूँ। ओह, देख लिया? तो चलो उठो, दो मिनट में फ्रेश होके बाहर आ जाओ। चलो बाय। अच्छा डिनर बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया है, ठीक है, खा लेना शाम को गर्म करके। और कितने बजे की शिफ्ट है तुम्हारी? वही जो रोज होती है, विदेशी कॉल्स अटेंड करते हैं अपने कॉल सेंटर में, शिफ्ट तो रात की होगी ना। ओके ठीक है, सुबह जब घर पहुंचो मैसेज करना। ओके बाय, अच्छे से स्माइल करके। ओके बाय। नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस यहाँ अपने एक फ्रेंड के यहाँ आई थी। मुझे कहा होता मैं गाड़ी भिजवा देता। एनीवेज मैं घर जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ चलो। ठीक है। और खाने में क्या बनाऊं? खाने में अब चलो मैं ही बता देती हूं। एक औरत और उसके दो पति, आखिर यहां चल क्या रहा था? एक औरत दो जिंदगियां जी रही थी, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग, आखिर इस दोहरी जिंदगी का राज क्या था? नेहा चाहती क्या थी? क्या नेहा मनीष और रवि को बेवकूफ बना रही थी, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, या फिर इस दोहरी जिंदगी की कोई और वजह थी? अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि एक औरत को दो पतियों के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़े। और इस हैरानी भरे सवाल से भी बड़ा सवाल यह था कि आखिर नेहा कब तक निभा सकती थी इस दोहरी जिंदगी को? नेहा तुमने बताया नहीं तुम किस दोस्त से मिलने गई थी, क्या मैं जानता हूं उसे? दोस्त नहीं नहीं, वो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड है, शादी के टाइम भी वो बाहर गई हुई थी तो आप उनसे मिले नहीं। इतनी रात को तुम्हारा फोन, किसके मैसेज आ रहे हैं? वो बस स्पैम मैसेजेस होते हैं ना। नाश्ते में अभी पराठे भी बना देना जल्दी से, और लंच में गोभी मटर, और सुनो लंच बॉक्स 12 बजे तक तैयार रखना, गणेश पिकअप करने आ जाएगा। ओके। अरे आप तैयार नहीं हुए, तबीयत तो ठीक है ना? मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, छुट्टी ली है मैंने। क्यों? अब मेरा मतलब है अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बस आज का दिन तुम्हारे साथ बिताने का दिल कर रहा था। नेहा अगले महीने हमारी शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा,
हमने हनीमून के अलावा शायद ही कभी वक्त साथ गुजारा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। बाहर चलें। ठीक है, मैं तैयार हो गया था। ठीक है। मैं आज नहीं आ पाऊंगी, रवि मेरे साथ दिन बिताना चाहते हैं। सुनिए, हम जा कर रहे हैं। सरप्राइज। मार्केटिंग वाले भी ना, आई टेल यू, तंग करते रहते हैं। मिसेस सिन्हा, मिसेस सिन्हा, आप यहां? मिस्टर सिन्हा नहीं आए क्या? नमस्ते, मैं इनकी पड़ोसन हूँ। लगता है इन्हें कोई गलत फहमी हुई। मैम, आप मुझे कोई और समझ रही हैं। मैं मिसेस सिन्हा नहीं हूँ, बल्कि मिसेस कपाड़िया हूँ। एंड ही इज माय हस्बैंड। अच्छा, मजाक कर लेती हैं आप, क्या मैं आपको पहचानती नहीं? अच्छा ये बताइए, कल जो मैंने आपको पकोड़े दिए थे वो कैसे लगे आपको? और हाँ, मिस्टर सिन्हा को खिलाया कि नहीं, उन्हें कैसे लगे? हाँ, देखिए देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी बीवी मिसेस नेहा कपाड़िया है, मिसेस सिन्हा नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कल जब मैंने इन्हें पकौड़े दिए तब तो ये मिसेस सिन्हा थी और आज ये मिसेस कपाड़िया हो गई। देखिए, एक सेकेंड मैम, आपको बात समझ में नहीं आती और आप बोले जा रही, हमारा टाइम भी वेस्ट करी। आपको समझ नहीं आ रहा है कि बहुत हो गया आपका, चलिए आप। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। आज काफी शॉपिंग हो गया। आज इस फैशन में काम। हेलो मनीष, क्या तुम पागल हो गए? जब मैंने तुमसे कहा है कि मैं फुल डे रवि के साथ स्पेंड कर रही हूँ, तो तुम मुझे इतना कॉल क्यों कर रहे थे? यार बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। क्या करूं? जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, पक्का से, आई प्रॉमिस। ठीक है, बाय बाय। किसका फोन था? माँ का कॉल आया था।
कितनी अजीब बात थी ना उस औरत का तुम्हें मिसेस सिन्हा कहना। हाँ, कितनी अजीब थी ना वो, पता नहीं किसके बारे में बात कर रही थी, उसे शायद कोई कंफ्यूजन हो गया था। एक्चुअली आप सो जाइए, बहुत रात हो गई और वैसे भी आपको कल ऑफिस जाना है। वो बस ऐसे ही। क्रेडिट कार्ड मिला? क्रेडिट कार्ड नहीं तो? नहीं मिला? कमाल है, बैंक वालों ने कहा था कि वो एक हफ्ते में भेज देंगे। तुम घर पे थी ना? घर पे ही तो रहती हूँ, और कहाँ जाती हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मंदा ताई, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, आने में थोड़ी देर होगी। कल रात तुम्हें बहुत मिस किया और आज का दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, दिन और रात दोनों। मनीष, यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ तब आती हूँ जब रवि ऑफिस जाते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ मेरे दिन है और उसके पास रातें और संडे ना। यहाँ प्लीज आज कुछ बहाना बना दो ना, कह दो उसे कि तुम अपने दोस्त के घर पे रहने जा रही हो और आज रात मेरे पास रुक जाओ प्लीज। मनीष, तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। या तुम जानती हो ना मैं ऐसे नहीं रह सकता। शाम को जब तुम वापस घर जाती हो ना तो दिल करता है कि मैं रवि को जाकर सब कुछ बता दूं। मनीष, ऐसा कभी करने की सोचना भी मत। आज तक तो नहीं किया ना, लेकिन अगर मनीष, आई नो, बट मैं रवि को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उन्हें अपनी तरह से हैंडल करना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, लेकिन जल्दी। अच्छा हाँ, तुम कह रही थी ना कि हम लोग इतने दिन से बाहर घूमने नहीं गए, चलो आज चलते हैं। वाओ, नाइस। दिस वाज हाय। तीनों पैक कर दो। ओके, अच्छे से पैक करना, ठीक है? और मेरा बिल कितना हुआ? 5000। एक सेकेंड। एक सेकेंड। मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं कर सकता। I'll pay। अरे पर। I'll pay। Thank you। ये लीजिए। Sorry सर, हमारे यहाँ कार्ड मशीन काम नहीं कर रहा। तो प्लीज कैश दे दीजिए। कैश तो मेरे पास अभी है नहीं, और ATM कहाँ यहाँ पे? Right है सर। मैं लेकर आता हूँ। Okay। Just wait on। I'm sorry. Sorry, yeah. भैया मैं एक मिनट चेक करके आती हूँ। Oh, yeah, well, it's okay. I'll take it. Sorry, yeah. हाँ, देखा मैंने। क्या उन्होंने मुझे देखा? नहीं। कुछ कहा? अगर उन्हें देख लिया होता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। प्लीज चलते हैं यहाँ से। ठीक है, बैग लेकर आता हूँ। ये लीजिए। ओके। भारतीय कानून के मुताबिक यदि एक शादीशुदा स्त्री बिना तलाक लिए दूसरी शादी करती है तो वो शादी अमान्य है, गैर कानूनी है। और इतना ही नहीं, नेहा जिस तरह की जिंदगी जी रही थी वो किसी भी सूरत में आसान नहीं थी। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि नेहा की इस दोहरी जिंदगी के बारे में मनीष को पूरी जानकारी थी। वो रवि को जानता था और वो ये भी जानता था कि नेहा रवि के पास जाती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मनीष और नेहा ये सब कुछ किसी समझौते के तहत कर रहे थे और इस समझौते के मुताबिक नेहा और मनीष सिर्फ दिन में मिलते थे। पर ये कैसा समझौता था? आखिर एक पति अपनी पत्नी के साथ इस तरह की जिंदगी क्यों जी रहा था? क्या थी इस समझौते की असलियत जो कि एक साजिश की ओर इशारा कर रहा था? मनीष और नेहा एक उलझा हुआ रिश्ता बुन तो रहे थे,
लेकिन एक बात साफ थी, नेहा ना तो मनीष के प्रति समर्पित थी और ना ही रवि के प्रति, और ये बात अब मनीष समझने लगा था। एक साल हो गया हमें ऐसे रहते रहते नेहा, हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजार सकते ना। हाँ मनीष मैं जानती हूँ, लेकिन मैं लेकिन मैं क्या लेकिन क्या नेहा, तुम अब भी जाकर रवि को सब कुछ सच सच बता दो और खत्म कर दो ये सब। तुम्हें चाहिए मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओके ओके रिलैक्स, ठीक है मैं आज ही जाके रवि से बात करती हूँ। ओके मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने इतनी देर लगा। सुनिए वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम आओ मेरे साथ। बैठो मैडम, तुम्हारे लिए दो सरप्राइजेस है मेरे पास। पहला ये कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, और दूसरे के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। अपनी आंखें बंद करो। जाकर रवि को सब कुछ सच सच बता दो और खत्म कर दो ये सब। तुम्हें चाहिए मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। ओके ओके रिलैक्स। अब तुम जल्दी जाओ और फ्रेश हो जाओ। नेहा आजकल तुम घर में नहीं रहती क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बैंक वाले को कॉल आया था, उन्होंने क्रेडिट कार्ड वाले को कई बार भेजा था क्रेडिट कार्ड डिलीवर करने, लेकिन कोई घर पे था नहीं। हाँ वो तब आए होंगे ना जब मैं घर का सामान या सब्जियां लेने गई होगी, या फिर जब अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर। कमाल करते हैं वो भी, कॉल करके नहीं आ सकते। तुम जल्दी से जाके फ्रेश अप हो जाओ, मैं सर्व करता हूँ। मैंने बताने की बहुत कोशिश की, पर ये रियली लाइक्स मी और वो बहुत खुश है। ही लाइक्स यू राइट, पर तुम तो उसे लाइक नहीं करती ना। तुम उसे सब कुछ साफ साफ कह दो ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो नाराज होगा, उसे बुरा लगेगा, पर वो तुम्हें जाने तो देगा। मुझे बहुत तकलीफ होगी। वो तो और भी अच्छा है, फिर वो कभी तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहेगा। नेहा अब एक काफी कठिन परिस्थिति में फंस चुकी थी, उसका अपराध बोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हालात ऐसे हो चुके थे कि उसे अब मनीष या रवि में से किसी एक का चुनाव करना था, और यह उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। क्या वो दोनों से बराबर प्यार करती थी और दोनों में से किसी का भी दिल तोड़ना उसे मंजूर नहीं था, या फिर दोनों को ही धोखा दे रही थी, या बस हालात की मारी थी? और अगर ऐसा था तो आखिर वो इन हालात में फंसी कैसे? ऐसी क्या वजह थी कि उसे एक साथ दो पुरुषों की पत्नी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा? आखिर क्या हुआ था नेहा के साथ? तुमने बताया उसे? मौका नहीं मिला। तुम्हें मौका मिलेगा नहीं नेहा, तुम्हें मौका निकालना पड़ेगा। आज शाम को जब ऑफिस से घर आएगा तो तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देना। हाँ मनीष मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, प्लीज मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। What's wrong with you? तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? मनीष just forget it। नेहा नेहा अच्छा हुआ मेम साहब आप आ गई। साहब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं? साहब आ गए? जी मेम साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार भी चढ़ा है। सुबह तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी,
क्या बात थी? वो कुछ खास नहीं, आप ठीक हो जाइए फिर आराम से बात कर लेंगे। अच्छा सुनो, लंच में खिचड़ी बनाना, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? काम पे। काम पे? पर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और। हाँ लेकिन आज ऑफिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। नेहा तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाह रही थी? नहीं वो अभी नहीं, अभी बताऊंगी तो आपको भी लेट होगा। आप जाइए, शाम को आ जाइए, आराम से बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय। क्या वो तुमने बात की उसे? मनीष तुम समझ क्यों नहीं रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस हालत में मैं उनको इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती। कभी तुम कहती हो कि वो बहुत बीमार था, मैं उसे बात नहीं कर पाई। कभी तुम कहती हो कि वो बहुत खुश था, मैं उसे बात नहीं कर पाई। तुम इतने बहाने क्यों दे रही हो मुझे नेहा? मनीष भाई एक सेकेंड, क्या तुम चाहती भी हो हम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे? मनीष तुम समझते क्यों नहीं हो, इतना आसान नहीं है जिस तक तुम्हें लग रहा है। I'm sorry, okay? मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाह रहा था, okay? नेहा, नेहा। मीटिंग के मिनट्स मुझे मेल कर दो, या I'll read it at home, okay? Bye. नेहा कहाँ हो? बस बाहर आई थी थोड़ी ताजा हवा खाने, आ रही हूँ थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, मैं सोच रहा था कि आज हम बाहर चले खाना खाने। हाँ ठीक है चलते हैं, okay, लेकिन हाँ याद है मुझे तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें घर से पिकअप करता हूँ, बाहर चल के बात करते हैं। ओके सी या, बाय। नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? नेहा साहब, मीम साहब तो घर पे नहीं है। साहब खाने में क्या बनाऊं? खाने का? नेहा और मैं बाहर जा रहे हैं खाना खाने, नेहा ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं साहब। चाय लेके आओ। Up the phone, yeah. हेलो माँ जी, आप नेहा वहां आई है क्या? नहीं, अब काफी वक्त से वो बाहर गई है और अभी तक आई नहीं है वो, उसका भी फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं देख लूंगा, जैसा उसका फोन आता है मैं आपको बताता हूँ, ओके? हाँ हम आपकी वाइफ की मिसिंग कंप्लेन नहीं लिख सकते। क्यों? 24 घंटे से पहले हम किसी की मिसिंग कंप्लेन नहीं लिख सकते। मैडम मैं अपनी वाइफ को अच्छी तरह जानता हूँ, वो घर छोड़ के कहीं नहीं जाती,
और खासकर इतनी रात को, ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप प्लीज दूसरे पुलिस स्टेशन में फोन कीजिए, पता कीजिए। फोटो लाए उसकी? हाँ हाँ। जाधव इकड़े। जी मैडम। ये फोटो लो, इसकी कॉपीज करवा के हर जगह बंटवा दो, अलर्ट जारी कर दो, देखो अगर इसे किसी ने देखा है। ओके मैडम। जाओ। देखिए इस वक्त मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको कॉल कर दूंगी। थैंक यू मैडम। साहब क्या बोला उन लोगों ने? ढूंढ रहे हैं वो लोग, रिपोर्ट नहीं लिखी। साहब कुछ लाऊं क्या? कॉफी। जी साहब। रात बीतने को आई थी लेकिन नेहा का कहीं कुछ पता नहीं था। आखिर क्या हुआ था नेहा के साथ? क्या उसने आखिरकार अपना फैसला ले लिया था, वो भी इस तरह अचानक गायब होकर? क्या उसने मनीष और रवि में से मनीष को चुन लिया था, और चूंकि वो रवि से साफ साफ बात नहीं कर पा रही थी इसलिए उसे बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गई थी? या फिर कहीं नेहा के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई थी? साहब साहब उठिए। क्या हुआ? वो टीवी न्यूज मेम साहब, देखिए साहब जल्दी। आज पुलिस को एक लाश मिली है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस औरत का रंग गोरा है और कद 5 फुट 5 इंच का है। नाम का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस की जांच जारी है। अब खबरें, आज वेस्टर्न लाइन दोपहर 2 बजे के बाद 4 घंटे के लिए मरम्मत के कारण बंद रहेगी। हेलो मिस्टर कपाड़िया। हाँ। आप जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाइए। कुछ नहीं हो सकता। देखिए मिस्टर कपाड़िया, बॉडी के पास से हमें सिर्फ एक खाली पर्स मिला है, जिसे हमें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने लूटने की कोशिश की जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हो सकता है ये महज एक लूटफाट की वजह से हो। मैडम एक मिनट। एक्सक्यूज मी। मैडम एक आदमी आया है जो मरने वाली को अपनी बीवी बता रहा है। क्या? लेकिन रवि ने तो हमें उसकी और नेहा की फोटो दिखाई थी, उसका पति रवि है। लेकिन मैडम उस आदमी के पास भी उसकी शादी की फोटो है। क्या मतलब है तुम्हारा? एक औरत के दो दो पति? हाँ कहाँ है वो? इंस्पेक्टर नेहा कहाँ है? तुम नेहा को कैसे जानते हो? कैसे जानता हूँ, मेरी पत्नी है वो। पत्नी? जी। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? मैडम झूठ बोल रहा है, नेहा मेरी पत्नी थी और इस बात का प्रूफ है मेरे पास। अरे तूने मेरी नेहा की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैडम जीना हराम कर दिया इसने मेरा और नेहा का। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं इसे जानता तक नहीं हूं। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। अरे कम से कम अभी तो छोड़ दे मेरी नेहा को अकेला। बकवास बंद करो तुम दोनों अपनी। दो का फिर लाता मजा। ये बताओ एक औरत दो आदमियों की पत्नी कैसे हो सकती है? थी मैडम, नेहा थी, उसने हम दोनों से शादी की है और उसका पहला पति मैं हूं। हमारी शादी तब हुई थी जब हम कॉलेज में थे। मैं और नेहा एक दूसरे को पहली बार कॉलेज में मिले थे और हमें पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन हमें पता था कि हमारे रिश्ते को उसके पापा की मंजूरी कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए हमने शादी कर ली और इस बारे में उसके परिवार से कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद नेहा के पिता को हार्ट अटैक हुआ, उसके घर वालों की तरफ से शादी का दबाव बढ़ गया। सब चाहते थे कि उसके पिता को कुछ हो जाए उससे पहले नेहा की शादी हो जाए। बेटा समझने की कोशिश करो,
तेरे पापा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, अगर वो चाहते तुम ये शादी कर लो तो तुम मान जाओ। समझने की कोशिश करो बेटा, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। नेहा अपने पिता को एक और झटका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने हमारे शादी के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा और रवि से शादी कर ली। मुझसे शादी करने के बावजूद नेहा को दूसरी शादी करनी पड़ी रवि से, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की जान बचाने के लिए। मैडम, नेहा ने मुझसे वादा किया था कि वो रवि से बात करेगी, लेकिन उसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए हम उसके शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे जैसे एक शादीशुदा पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहता। फर्क सिर्फ इतना था कि नेहा के दिन मेरे साथ थे और रातें रवि के साथ। रवि के ऑफिस जाने के बाद वो मेरे घर आती थी और शाम को वापस उसके घर चली जाती थी। बस मेरे सामने मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो तुम? झूठ बोल रहा है। नेहा कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। हाँ, हम दोनों की शादी उसके पेरेंट्स की मर्जी से जरूर हुई है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मैडम, आप प्लीज प्लीज मुझे मेरे नेहा के पास लेके जाइए, उसे देखना चाहता हूँ। प्लीज एक बार। नेहा मेरी भी बीवी थी, प्लीज मुझे सिर्फ एक बार नेहा से मिलने दो, मुझे भी उसे दे। मैडम प्लीज बताइए ना कहाँ। दादा तुम दोनों अपने अपनी शादियों का पुख्ता सबूत लेकर आना मेरे पास। जादव क्यों जा गया ना? आखिर ये केस क्या है? एक औरत के दो दो पति। पुलिस बेहद असमंजस में थी, आखिर दो आदमी नेहा के शव पर अपना हक जता रहे थे और दोनों ही खुद को नेहा का पति भी बता रहे थे। दोनों के पास शादी की तस्वीरें भी मौजूद थी और दोनों की ही बातों से ऐसा लग रहा था कि वो नेहा पर जान छिड़कते थे। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर नेहा की मौत का कारण क्या था? किसने मारा उसे? क्या इन दो पतियों के अलावा भी ऐसा कोई राज था नेहा की जिंदगी में जिसे उसने सबसे छिपा कर रखा था? वो मेरा नाश्ता बनाने सुबह सुबह हमारे घर आती थी और फिर शाम को वापस चली जाती थी रवि के घर आने से पहले। वो मुझसे उतना ही प्यार करती थी जितना मैं उसको। रवि को कभी शक नहीं हुआ? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही कभी उसने मुझे कुछ बताया इस बारे में। वो रोज दिन में घर से गायब रहती थी, आपको कभी उस पर शक नहीं हुआ? मैं प्यार करता था उससे, उस पर शक क्यों करूंगा? दरअसल वो रवि से उस दिन मिलकर बात करने वाली थी उसके ऑफिस के बाद, उसे मिलकर उसका रिश्ता तोड़ने वाली थी और फिर हम दोनों मिलकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। तो उस शाम तुम कहाँ थे? मैं ऑफिस से निकल गया था, घर जाके नेहा को पिक करना था, हम दोनों बाहर जाने वाले थे। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो नेहा घर पे थी ही नहीं। उस शाम मैं काम पर था, रोज की तरह ऑफिस। अगर मनीष सच कह रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि नेहा ने रवि को सब सच बता दिया होगा और रवि के पास उसे मारने की वजह भी थी। गुस्से में आकर वो उसे मार सकता था। मुझे नेहा के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। ओके मैडम। बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन रिकॉर्ड्स, सारी की सारी, जितनी मिल सके उतनी। मैडम, नेहा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नेहा की मौत 5 से 7 के बीच गला घोटने की वजह से हुई। क्या तुम जानते थे कि नेहा प्रेग्नेंट थी? क्या? ये नेहा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जिससे पता चला है कि वो 1 महीने से प्रेग्नेंट थी। मुझे पता होना चाहिए था, नेहा शायद मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और शायद उसने रवि को बताया होगा और इसीलिए रवि ने मेरी नेहा को मार दिया। मतलब मैंने एक नहीं दो लोगों को खोया, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। क्या आपको पूरा भरोसा है कि वो बच्चा आप ही का था? I mean, नेहा ने कभी
आपसे इस बारे में बात की? नहीं, हाँ दो तीन दिनों से वो कुछ कहना चाह रही थी, शायद यही कहना चाह रही हो सकता है वो शायद मनीष के बारे में आपसे कोई बात करना चाहती हो। नेहा के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक लास्ट कॉल उसे 5:30 बजे आया था और वो कॉल रवि का था। ये थोड़ा अजीब लग रहा है मैडम। नेहा और रवि के ज्वाइंट अकाउंट में नेहा को क्रेडिट कार्ड इशू हुआ था, लेकिन कई महीने से उस कार्ड की डिलीवरी नहीं हुई है। बैंक वालों को फोन लगाओ जरा। ये लीजिए मैडम। गुड मॉर्निंग, मैं इंस्पेक्टर वंदना बोल रही हूँ। नेहा कपाड़िया मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड इशू हुआ था? जी मैडम, लेकिन उसकी डिलीवरी ली नहीं गई अभी तक। एक्चुअली हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से कुरियर बॉय कई बार उनके घर जा चुका है, लेकिन वो मिली नहीं। इनफैक्ट हमारे तरफ से एक फोन भी जा चुका है उनके हस्बैंड मिस्टर रवि कपाड़िया को, यही पूछने के लिए कि अगर मैडम घर पे अवेलेबल नहीं है तो क्या हम डिलीवरी ऑफिस में कर सकते हैं क्या? इसका मतलब आपकी बात रवि के साथ हो चुकी थी इस बारे में? जी मैडम। थैंक यू सो मच। इसका मतलब रवि को शक हो चुका था, क्योंकि उसके बैंक वालों के साथ बात नेहा के मर्डर के ठीक एक दिन पहले हुई थी। आप मुझसे ये सारे सवाल क्यों कर रही है? मनीष से जाके पूछिए ना सब। लेकिन आपको ये बात पता थी कि आपकी बीवी दिन में घर में नहीं रहती? बैंक वालों ने आपको इस बारे में बताया था, फिर भी आपने उनसे पूछा क्यों नहीं? आपने हमसे झूठ कहा था कि आपको नेहा पे शक नहीं है। थोड़ा सा शक था, दो बार कुछ ऐसी बातें हुई थी कि एक बार जब हम मॉल गए थे तो एक औरत ने आके उसे मिसेस सिन्हा कहा, और कुछ वक्त से लेट नाइट मैसेज आ रहे थे उसे। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं पता था कि एक्चुअल बात क्या है। तो फिर आप उस शाम उसके साथ बाहर जाकर क्या बात करने वाले थे? एक्चुअली नेहा को मुझसे कुछ कहना था। और फिर क्या हुआ? नेहा ने आपको मनीष के बारे में सब सच बता दिया, आपसे सच बर्दाश्त हुआ इसलिए आपने उसका कत्ल कर दिया, इसीलिए आपको 2 घंटे लगे घर पहुंचने में। उस 2 घंटे के दौरान नेहा आपके साथ ही, इसीलिए आपने उसका खून कर दिया। नहीं, ये सच नहीं है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका खून क्यों करूंगा भला? तो फिर आपको उस शाम ऑफिस से घर पहुंचने में 2 घंटे क्यों लगे? वो ऑफिस से निकलने के बाद मैं बीच पे चला गया। मैं आपकी बात पे विश्वास क्यों करूं? आप मेरा फोन रिकॉर्ड चेक कर सकती है, उसे चेक कर लीजिए आप, उसे ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मैं उस वक्त कहां था। मैं अपने पत्नी के आसपास भी नहीं था। रवि सच कह रहा था, जिस वक्त नेहा का खून हुआ वो उस वक्त बीच पर था। उसके टेलीफोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो नेहा से कहीं दूर था। इसका मतलब रवि बेकसूर है। आखिर किसने किया ये मर्डर? मैडम, मैं नेहा का मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रहा था तो देखिए क्या मिला। मैडम, ये रिपोर्ट देख के मुझे शक हुआ, तब मैंने मनीष के कॉल सेंटर पे फोन किया, लेकिन वहां फोन करने के बाद पता चला कि मनीष तो उस रात ऑफिस गया ही नहीं था। क्या? मैडम, वॉचमैन भी आ गया। कहाँ गए ये? मैडम, मैंने अभी उन्हें अभी यहाँ से जाते हुए देखा था, और वो रिक्शे वाले से बोल रहे थे मुझे बस स्टैंड छोड़ दो। चलो यहाँ से। चलो वहां पे। भागने का बहुत शौक है ना तुझे, चलो। करना पड़ा मुझे ये सब, लेकिन ये सब उसकी वजह से हो। क्या हुआ? आई ओके? आई ओके? मनीष, I'm pregnant. प्लीज कह दो कि इस बच्चे का बाप मैं हूं, तो इस बच्चे का बाप रवि है। अबॉर्ट कर दो इसे। नहीं नहीं, आई मीन इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, खुद के लिए। मुझे देर हो रही है, मैं चलती।
हम हेलो हाँ नेहा कहाँ हो बस बाहर आई थी थोड़ी ताजा हवा खाने बस थोड़ी देर में आती बाय नेहा क्या ये फोन दो मुझे मनीष क्या कर रहे हो तुम मनीष बहुत हो गया अभी अब मैं और नहीं झेल सकता तुम उसे सब कुछ सच सच बता दो और मेरे साथ घर चलो मैं ऐसा नहीं कर सकती ये उसका बच्चा है और मैं इसे रखना चाहती हूँ क्या तुम ये बच्चा रखना चाहती हो मतलब क्या तुम्हारा मनीष जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी तभी तो तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं इसे नहीं रख सकती मेरी अभी अभी शादी हुई है बस एक महीना हुआ मेरे शादी को और अब जब इसका बच्चा है तो तुम इसे रखना चाहती हो तुमने मेरे बच्चे का अबॉर्शन किया था ना तुम्हें इसके बच्चे को भी अबॉर्ट करना पड़ेगा मैं ऐसा नहीं कर सकती क्यों क्यों नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं छोड़ सकती हूँ और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे उन्हें नहीं तुम्हें छोड़ना चाहिए मुझे अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए था जब उसने रवि के बच्चे को अबॉर्ट करने से मना किया फिर तुमने क्या किया नेहा 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 के साथ इतने समय तक रहना भी नहीं चाहती थी लेकिन वो मुझे छोड़कर रवि के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी कैसे जाने देता उसे वाह कितने घटिया इंसान हो तुम हाँ तुमने नेहा को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि चीजें तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं हुई क्यों जा गया चलो मनीष को उसके अपराध के लिए आईपीसी की धारा 300 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस धारा के तहत अधिकतम उम्र कैद से लेकर के फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अपने पिता की सलामती के लिए उठाया गया नेहा का एक कदम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। सबसे पहली बात तो नेहा को ऐसा कदम उठाना ही नहीं चाहिए था, और अगर एक गलती हो भी गई थी तो उस पर एक साल तक पर्दा डालने की भूल नहीं करनी चाहिए थी। नेहा की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने उस सच पर पर्दा डाले रखा जिसका वास्ता एक नहीं तीन तीन जिंदगियों से था। उसे या तो हिम्मत बटोर कर रवि को सब कुछ सच बता देना चाहिए था, या फिर मनीष के साथ अपनी शादी को खत्म कर देना चाहिए था। वक्त की नजाकत को समझते हुए अगर नेहा रिश्ते की एक ही कश्ती में सवार होती तो आज शायद इस अंजाम की शिकार न होती। हालात हमें अक्सर ऐसे दोराहे पर ला खड़ा करते हैं जहां से किसी एक रास्ते का चुनाव करना बेहद कठिन हो जाता है, लेकिन समझदार इंसान वही है जो अपने धैर्य विवेक और साहस के साथ किसी एक रास्ते का चुनाव कर ही ले, क्योंकि दो कश्तियों में एक साथ सवार होना यानी दोहरी जिंदगी जीने का मतलब है मुसीबत धोखे और अपराध को आमंत्रण देना। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।